हेलो फ्रेंड्स और वेलकम इन वे ऑन डिजाइन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो एक गेमिंग पीसी रूम बनाया था, नहीं तो आप बोल सकते हैं ट्रेड मार्केट रूम या नहीं तो स्टॉक शेयर मार्केट, एक रूम बनाया था उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर के अंदर जो रियलिस्टिक स्क्रीन है वो कैसे दिखाई देगी और रूम बनाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्केचअप के अंदर जो राउंड कॉर्नर प्लगइन है वो कैसे डाउनलोड करें और उसका कैसे यूज है। ओके, तो चलते हैं। तो आप राउंड कॉर्नर प्लगइन टू टाइप से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए यदि आप चाहते हो कि मैं वेबसाइट से जाके करूँ तो वो भी कर सकते हैं, और यदि आप वेबसाइट से नहीं करना चाहते तो एक और वीडियो है उसमें मैंने एक आपको प्लगइन का नाम बताया था, एक्सटेंशन है वो स्केचुकेशन करके। पहले इसके बारे में देख देते हैं स्केचुकेशन। इसके अंदर जैसे आप यहाँ पे एक्सटेंशन स्टोर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप विंडो ओपन हो जाती है। इसके अंदर आपको एक्सटेंशन बताए जाएंगे, क्लिक है तो कंटिन्यू लिखा हुआ है, जैसे मैं कर देता हूँ ऐसे यहाँ पे आ जाता है। तो ये यदि आपको करना है उसके अंदर आपको वहाँ पे क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर खोल के सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं यदि वो आपको देखना है तो आपको आई बटन के अंदर एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, वो अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा जो प्लगइन है उसका नाम है राउंड कॉर्नर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप राउंड CORNER और राउंड कॉर्नर करके जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके सामने ये दिख सकते हैं आप फ्रेडो कॉर्नर करके यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आप, जैसे फ्रेडो 6 यहाँ पे, जैसे इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड होने का और फोल्डर मांगेगा और ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। एक चीज़ और है, इसके अंदर राउंड कॉर्नर प्लगइन अकेला यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक और प्लगइन भी साथ में डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है लिप फ्रेडो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिप फ्रेडो सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे ये लिप फ्रेडो 6 आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये भी आपको साथ में डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, तो ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करेंगे तो वैसे ही आप यहाँ डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, फर्स्ट है ये कैसे करना है यदि आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, यदि आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। और अभी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के अंदर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्केचुकेशन नाम करके वेबसाइट इसके ऊपर आ जाना है। फिर जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप खुलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्टर और लॉगिन करना ज़रूरी है, वो भी कैसे करना है मैंने उस वीडियो में बता रखा है। यहाँ से मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया मेरी आईडी से। यूजर नेम पासवर्ड डज नॉट मैच। ओके, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया अपनी आईडी से। यहाँ करने के बाद में आपको यहाँ पे प्लगइन स्टोर पे जाना है। ओके, जैसे ही आप प्लगइन स्टोर पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ स्केचअप प्लगइन्स ऐसे करके लिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है राउंड कॉर्नर। ओके, फिर कर लेना एंटर। जैसे राउंड कॉर्नर आप लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप ओपन करके आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फ्रेडो 6 राउंड कॉर्नर, तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो गया, अब ये डाउनलोड हो गया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कहते हो ये मतलब आपका देखिए वर्जन अपडेटेड यूजेज टूल फ्रेडो 6 कलेक्शन राउंड कॉर्नर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अपना करेंगे तो क्या होगा इसके अंदर।
देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पे स्केचअप के अंदर और यहाँ पे विंडोज, फिर यहाँ से मैं करूँगा एक्सटेंशन मैनेजर, ओके, फिर यहाँ पे इंस्टॉल एक्सटेंशन, फिर यहाँ पे डाउनलोड, डाउनलोड पे यहाँ पे मेरा नहीं बता रहा है, ओके, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड के अंदर बता दिया, यहाँ पे मैं भी इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा, फिर यहाँ पे बता रहा है इंस्टॉल फ्रेडो 6 रन लिबफ्रेडो, ओके, यस कर लूँगा, तो ये मेरे को जस्ट यहाँ पे लेके आ जाएगा लिबफ्रेडो के ऊपर। नहीं तो आप पहले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये आपको ऑटोमेटिक इस पेज के ऊपर लेके आ जाएगा, नहीं तो आप वहाँ पे लिबफ्रेडो करके लिख सकते हैं, ओके, फिर यहाँ से इस पर भी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला भी डाउनलोड हो जाएगा आपका, कुछ ज़्यादा MB का नहीं है, 7.1 MB का है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वो डाउनलोड हो गया, फिर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल एक्सटेंशन, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा लिबफ्रेडो 6, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ओके, फिर यहाँ से आपको कर देना है क्लोज, क्लोज करने के बाद यहाँ से क्लोज, ओके, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे भी राउंड दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, सबसे पहले आपको कर लेना फाइल को सेव, यहाँ पे मैंने अभी फाइल सेव नहीं की हुई है तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइल को सेव, क्योंकि एक बार कोई भी यदि आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो एक बार आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने स्केचअप को रिस्टार्ट कर लिया और यहाँ पे आपके सामने डायरेक्ट ये राउंड कॉर्नर आ गया, यदि नहीं आता है तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा राउंड कॉर्नर, इसके ऊपर आप आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप दिखाई देगा, ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे कि ये वाला है, ओके, जैसे ये वाला सेकेंड वाला है, इसकी मेरी जो यहाँ पर जो एजेस है, ओके, एक मिनट, ये वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो जैसे कि इसकी ये वाली धार, तो इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ में इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मैं जैसे राउंड कॉर्नर वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप खुल जाएगा, तो यहाँ पे राउंडिंग पैरामीटर है और यहाँ पे एज, तो यहाँ पे अभी आपको जैसे ऑफसेट है तो मैं यहाँ पे अभी जो ऑफसेट वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे जैसे कि अभी 0.5 है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1 और एंटर, तो यहाँ पे ये जो राउंड है वो 1 इंच के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मैं वापस एंटर मारूँगा, ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे ऑफसेट 1 एंटर एंटर, तो देखिए आप ये हो गया, फिर एक बार और एंटर मारेंगे तो ये वाली आपके सामने ये जो लाइन थी वो भी चली जाएगी, और ये कुछ अपनी जो यहाँ पे ये राउंड के शेप में आ जाएगा, ठीक है, यदि आपको जैसे ये मैंने ऊपर वाला सेलेक्ट किया यदि इसको करना है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी मैं करता हूँ 3 एंटर एंटर एंटर, ओके, तो ये देख सकते हैं आप कि कुछ इस टाइप में ये ऐसा हो गया, ये वाला है यहाँ पे राउंड कॉर्नर साफ कॉर्नर ऑफसेट 2 एंटर एंटर, तो यहाँ पे ये क्या है एकदम थोड़ी सी इसके अंदर शार्पनेस रहेगी, ओके, और ये एकदम वो वाला है वो स्मूथ रहेगा, फिर यहाँ पे है राउंड कॉर्नर बेवल, ओके, ये 3 अलग अलग ऑप्शन है आप इसका यूज कर सकते हो, ओके, तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि आपको राउंड कॉर्नर यहाँ पे कैसे बनाना है, ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।